कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने ख्याल आप लोग अच्छे से रखते होंगे। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग जानकारी है और वो कि वो है वास्तु से जुड़ी हुई और इसके बारे में मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। थोड़ा सा जनरल कुछ चीज़ें जिसके बारे में आपको ध्यान एटलीस्ट कम से कम अगर आप कोई नया फ्लैट परचेज कर रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप अपना घर बनवाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप वास्तु के हिसाब से करवा लेते हैं, लेकिन जब आप फ्लैट को परचेज़ करते हैं तो उसमें संभव नहीं हो पाता है कि आप हर एक चीज़ को वास्तु के हिसाब से देख पाएँ, क्योंकि वो पहले से ही बने बनाए होते हैं। इसलिए अगर उसमें वास्तु का ध्यान नहीं रखा गया है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको कई बार ये बताया है कि एक तो दक्षिण जो दिशा है या इस दिशा से जो एंट्रेंस है अगर आपके मेन घर का है तो ऐसे फ्लैट को परचेज़ करने से पहले आपको सोचना चाहिए। और अगर ऐसा फ्लैट आप परचेज़ करते हैं तो आपको लाइफ टाइम आप देखेंगे कि आपको जो नेगेटिविटी है या जो परेशानी है वो आपको होती रहेंगी। और इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जो मेन एंट्रेंस है उसकी जो दिशा है वो उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम हो, ये ही सबसे बेहतर मानी गई है। और इसके अलावा अगर ये दक्षिण दिशा में है तो फिर आप ये मानिए कि आपके घर के अंदर जो समस्याएँ हैं वो हमेशा बरकरार रहेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि दक्षिण का जो मेन एंट्रेंस है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका वॉशरूम है आपके घर के अंदर उसकी भी दिशा आपको बहुत सही तरीके से मालूम होनी चाहिए, और ये उत्तर पश्चिम होती है। अगर उत्तर पश्चिम में आपका ये वॉशरूम नहीं है या उस दिशा से कहीं इतर है तो भी आपके लिए दुख तकलीफ का कारण बन सकता है। तो कोशिश ये करिए, क्योंकि आजकल फ्लैट में आप देखते हैं दो या दो से ज़्यादा जो वॉशरूम है वो आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो अगर संभव नहीं है कि आप उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन करवा सकें या वो फ्लैट खरीदना आपके लिए ज़रूरी है तो फिर आप उस वॉशरूम को इस्तेमाल ना करें या उसको आप यूज़ ना करें, क्योंकि दो वॉशरूम आपके पास ऑलरेडी और होंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ तकलीफें या कुछ बाधाएं आपके जीवन में हमेशा दूर रहेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान आप ज़रूर रखें जब भी आपको नया फ्लैट परचेज कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।